जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, उससे बिछड़ना दुनिया में सजा से कम नहीं। ये सजा हमें क्यों मिली? विनय, ये दर्द कैसे सह पाएगा? सहन तो करना ही पड़ेगा ना, हमारा अलग होना उसके लिए अच्छा है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। हमारे विनय से दूर होने के कारण संगीता उसके साथ खुशी से रहेगी। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा जया। बस अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जिए, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और कुछ नहीं। विनय ने बचपने में कुछ कर दिया तो? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जया। अब हम लोग उससे बिछड़कर बहुत दूर आ गए हैं ना, आज के बाद संगीता उसके पास प्यार से और खुशी से बर्ताव करेगी। बेवजह चिंता मत करो जया। जया, हमें क्या उससे हमेशा के लिए दूर रहना होगा? नहीं, जब तक संगीता तुम्हें अच्छे से समझ ना ले, उससे दूर ही रहना पड़ेगा। विनय हमारा बेटा है, हमारे बिना वो कैसे जिएगा जी? वो कुछ दिनों के लिए थोड़ा अपसेट जरूर रहेगा, उसके बाद वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, जख्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो समय के साथ भर ही जाता है। आप मुझे तसल्ली दे रहे हैं ना? और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जया। आज के बाद मेरे लिए तुम, तुम्हारे लिए मैं हूं, बस यही है। आओ गणेश, तुमसे कुछ बात करनी है। अपना सामी आया ना, उसके घर में फंक्शन था, वहाँ गया था। बोलो क्या खबर है? अपने घर के जब्ते के संबंधित बात करनी है आपसे। उसके लिए समय लिया तो था ना? समय तो लिया था पापा, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा ना। फिर क्या करोगे? क्या करूँगा समझ में नहीं आ रहा है पापा। अभी जैसी हालत है, उसे देख कर हमें पहले ब्याज ही भरना पड़ेगा, क्योंकि माँ के नाम पर ही ये घर है, ऐसे छोड़ नहीं सकते। लक्ष्मी दीदी जैसा बोल रही हैं कि जीजा जी ने जो बिजनेस शुरू किया है वो सच है, लेकिन जीजा जी इतना कमा कर पैसा दे पाएंगे मुझे नहीं लगता है। उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है और यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो जो कर रहे हैं ना, उनकी सारी गलतियों को हम कब तक झेलते रहेंगे पापा? और कल दूसरी जगह पर इससे भी ज्यादा उधार हो गया तो वो भी हमें ही चुकाना पड़ेगा क्या? ये सब कब खत्म होगा पता नहीं, बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है पापा। इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? तुम्हारे जीजा जी को जो चाहिए था वो हम पूरा कर चुके हैं, ये उधारी हम नहीं चुका पाएंगे, जाके सीधे उनसे कह दो। लेकिन माँ तो कह रही है कि लक्ष्मी दीदी को ऐसा पता नहीं चलना चाहिए। कैसे पता नहीं चलेगा, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना। और तो और, तुम्हारी माँ के लाड़ प्यार ने ही उसकी आँखों को बंद कर रखा है, इसी वजह से छुपा रही है। आप दामाद जी को ही ब्याज भर के उधारी चुकानी पड़ेगी, वरना घर जब्ती हो जाए तो कोई बात नहीं। पापा, लक्ष्मी दीदी और जीजा जी परमानेंटली अपने घर में ही रह रहे हैं, अभी ये सब बात कहना सही होगा क्या पापा? बेटा, सब कुछ अपने हाथों में नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। बस तुम अपना फर्ज निभाते रहना और फल के बारे में मत सोचना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवत गीता में लिखा हुआ है। हिम्मत से रहना,